राहुल गांधी जी को बताना चाहिए वो चीन के साथ है या भारत के साथ है। अगर उन्हें चीन की नीतियां इतनी अच्छी लगती हैं तो चीन में जाकर राजनीति करें। मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, मैं बड़ा हैरान हूं कि असदुद्दीन ओवैसी भी देश के बाहर जाकर देश के खिलाफ नहीं बोलते। ओवैसी भी जब देश के बाहर जाते हैं तो वो देश के साथ खड़े रहते हैं, देश का विरोध नहीं करते, देश के खिलाफ नहीं बोलते, देश के भीतर कुछ भी बोले। देश के बाहर जब जाएंगे तो ओवैसी भी देश के खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जो देश के बाहर जाकर देश के खिलाफ बोलते। राहुल गांधी जी को ये भी बताना चाहिए कि उनकी नजरों में देवता की जो परिभाषा है उसमें क्या सबसे ज्यादा वही फिट बैठते हैं। अगर राहुल गांधी जी को लगता है, मुझे लगता है राहुल गांधी जी खुद उनको लगता है कि खुद वो एक दैवीय पुरुष है, वो खुद को देवता मानने लगे। तो अगर राहुल गांधी जी खुद को देवता मानने लगे तो बताएं कि कौन से भगवान के कौन से अवतार हैं। हमारे पुराणों में तो लिखा है कि वो भगवान के 10 अवतार होने हैं, 9 हो चुके हैं, 10वां अवतार कल्कि अवतार के रूप में होगा। तो राहुल गांधी जी को ये भी बताना चाहिए कि कहीं वो अवतार तो नहीं है और अभी तक छुपे बैठे हों, उन्होंने बताया ना हो। राहुल गांधी बताएं कि क्या वो खुद को देवता मानते हैं। राहुल गांधी को पहले खुद अपने बारे में बताना चाहिए कि वो इंसान है या देवता, वो अपने आप को क्या मानते हैं, देवता मानते हैं या एक इंसान मानते हैं, उसके बाद बात की। मुझे लगता है वो अपने आप को देवता मानते हैं और देवताओं से भी बड़ा मानते हैं। ये बात पक्की है कि कांग्रेस पार्टी में वो भगवान है, लेकिन खुद क्या मानते हैं, भगवान मानते हैं, देवता मानते हैं, दानव मानते हैं, मानव मानते हैं, ये थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहिए।